नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शुक्र मीन राशि में जा रहे हैं, मतलब अपने सबसे अच्छी राशि में शुक्र जा रहे हैं और ये हो रहा है 31 मार्च को। 31 मार्च से 26 अप्रैल तक रहेंगे, तो निश्चित तौर से बड़ा अच्छा समय है, बड़ा अच्छा होगा, बहुत लोगों के साथ कुछ अच्छा होने वाला है। क्या ये देखते हैं समझते हैं कुंभ राशि के साथ कैसा क्या होने वाला, बने रहेगा, जो बताने वाला हूँ वो होकर ही रहता है। तो शुक्र चले जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर राहु पहले से है। अभी तक शुक्र यहाँ पर थे लेकिन शनि और मंगल साथ में थे, आप समझिएगा। अगर एक 1.5-2 महीने के बाद देखा जाए तो शुक्र का चौथा घर और सातवां घर, अगर 1.5-2 महीने का अगर हालचाल देखा जाए तो यहां से शुक्र यहां पर गए थे, मतलब बहुत कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन मंगल के कारण से थोड़ा डिस्टरबेंस आया। मतलब क्या है कि मुझे लगता है ना कि बहुत लोगों के साथ कुछ अच्छा भी हुआ होगा और कुछ लोगों के साथ चीजें मिलती मिलती रुक गई होंगी। मतलब जिनका शुक्र बहुत अच्छा होगा उनको देर सवेर लेट लतीफ उनके एक अच्छा अचीवमेंट या बहुत कुछ अच्छा उनको हो गया होगा, लेकिन जिनका शुक्र कमजोर होगा कुंडली में उनको शायद अच्छे चीजें उनके हाथ से छूट गए होंगे। अगर वो काम बन जाता तो उनका बहुत अच्छा हो सकता था पर वो हुआ नहीं। ये बहुत लोग के साथ हुआ होगा जिनके कुंडली में शुक्र कमजोर होंगे, क्योंकि शुक्र का और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों को लेके मानसिक तनाव भी रहा, किसी न किसी बात को लेके, किसी न किसी चीज को लेके मानसिक तनाव भी रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मानसिक तनाव दिया भी है। अब वही शुक्र उठ के यहाँ पे जाएंगे, धन भाव में जाने वाले, तो क्या होगा, पैसा, अब पैसे के रास्ते खुलेंगे। मतलब आपको नौकरी लग सकती है, धन संपत्ति प्रॉपर्टी संबंधित कुछ चीजें अगर डिस्टर्ब है तो वो रास्ता खुल सकता है, या कुछ कुछ पैसे आपके पास आएंगे जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी लगेगी तो पैसा आएगा, कुछ ऐसा होगा जिससे कि पैसा आपका आएगा, और कहीं ना कहीं चौथा घर भी अच्छा है। चौथा घर का अच्छा होने का मतलब कुछ मानसिक तनाव रहा है तो वो मानसिक तनाव दूर होगा, किसी बात को लेकर कुछ चीजें रही हैं तो उसमें आपको चीजें बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी, मानसिक तनाव बिल्कुल आपका दूर हो जाएगा। तो मतलब कि अब कुछ चीजें लाइफ में आपकी अच्छी होने वाली हैं, मानसिक तनाव दूर करेगा, दूर हो जाएंगी, और भाग्य का सपोर्ट मिलने की वजह से जो काम आपका रुक रहा था, जो काम भाग्य की वजह से नहीं बन रहा था, वो काम आपका बन जाएगा। और शुक्र दूसरे घर में बैठे हैं, मतलब पैसा से संबंधित चीजें जो डिस्टर्ब थी जिस वजह से काफी परेशान थे, जो काम पैसे की वजह से नहीं हो पा रहा था वो काम अब आपका होगा। अब आप खुद के कुंडली में देख लीजिएगा शुक्र कैसे है। शुक्र अगर आपकी वृषभ राशि, तुला राशि, मीन राशि में अगर आपके खुद के कुंडली में है, मतलब शुक्र आपके बहुत अच्छे हैं, तो आपके साथ अच्छा होगा, जिनके नहीं है उनके साथ शायद ना हो। बाकी आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कुंडली दिखवाना, कुछ चार्जेज कुछ अच्छे होते करके आप कुंडली भी दिखवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।